नमस्ते बच्चों, मैं दीपक शर्मा MITRC कॉलेज से आपके सामने माइक्रोप्रोसेसर एंड इंटरफेस सब्जेक्ट के यूनिट नंबर 3 के टॉपिक डिले एंड काउंटर पर आपको वीडियो प्रेजेंट कर रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको ये कॉन्सेप्ट पता लग जाएगा कि किसी भी दो इवेंट के बीच में हम डिले कैसे प्रोवाइड कराएँ। जैसे मान लो हमें कोई दो आउटपुट डिवाइस पे हमें आउटपुट भेजना है पर विद सम डिले, तो हम प्रोग्राम में डिले कैसे लिखें, इस कॉन्सेप्ट पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे और ये वीडियो हमने इसी पर्पज़ से बनाई है। थैंक यू। नमस्ते बच्चों, तो सेकेंड यूनिट की प्रोग्रामिंग के बाद में आज हम चलते हैं डिले एंड काउंटर की प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, क्या होता है डिले और क्या होता है काउंटर्स। तो इसके लिए हमने पहले सबसे पहले समझते हैं डिले क्या होता है। डिले हमारा नॉर्मली क्या है, दो इवेंट्स के बीच में कोई टाइम ड्यूरेशन प्रोवाइड कराना हमारा क्या कहलाता है, डिले कहलाता है। दो इवेंट्स के बीच में हमारा टाइम ड्यूरेशन प्रोवाइड कराना हमारा क्या कहलाता है, डिले। जैसे आपने देखा होगा ट्रैफिक लाइट पे ग्रीन होता है और रेड होती है, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ क्या होता है, टाइम ड्यूरेशन होता है ग्रीन और रेड के बीच में। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिले, कि हमने दो इवेंट्स के बीच में एक टाइम पीरियड प्रोवाइड करा दिया। मतलब सेकेंड इवेंट जो है वो कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद होगी आपकी पहली इवेंट के बाद, ठीक है। मतलब सेकेंड इवेंट आपकी पहली इवेंट के कुछ टाइम बाद होगी और इस टाइम को हम कहते हैं डिले। इस टाइम को हम क्या कहते हैं, डिले। तो माइक्रो प्रोसेसर में भी कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम दो इवेंट्स के बीच में क्या प्रोवाइड कराएं, डिले। तो डिले बहुत जगह काम आती है, क्लॉक को सिमुलेट करने में, काउंटर्स में, एटसेट्रा में, ठीक है। तो हमने यहाँ देखा पहला इवेंट है, उसके बाद में हमने एक डिले नाम का सबरूटीन कॉल कर लिया जो ये डिले प्रोवाइड कराएगा, और फिर सेकेंड इवेंट होगी, ठीक है। आप चाहो तो सबरूटीन की जगह डिले का खुद प्रोग्राम लिख दो तो आपका वही है। आप सबरूटीन के थ्रू भी डिले को कॉल करा सकते हो, आप प्रोग्राम भी लिख सकते हो। दोनों में अंतर क्या है, अगर आप प्रोग्राम लिखोगे तो आपको प्रोग्राम बार बार लिखना पड़ेगा, मेन प्रोग्राम में डिले का प्रोग्राम बार बार लिखना पड़ेगा। पर अगर आप डिले का सबरूटीन बना दोगे तो आपको केवल वो कॉल करना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात, चलते हैं आगे। जब डिले का कोई सबरूटीन एग्जीक्यूट होता है तो माइक्रोप्रोसेसर उस दौरान और कोई टास्क नहीं करता है, मतलब वो कोई ऑपरेशन और नहीं करेगा, वो केवल डिले के सबरूटीन को ही एग्जीक्यूट करेगा। माइक्रोप्रोसेसर कोई और टास्क नहीं करेगा, केवल वो डिले के सबरूटीन को ही एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। अब डिले को कैसे दिया जाए, तो इसके लिए हम यूज करते हैं इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन टाइम। एक इंस्ट्रक्शन कितनी देर में एग्जीक्यूट होता है इस चीज का हम यूज करेंगे, राइट है। फिर हम देखेंगे कि कुछ इंस्ट्रक्शंस हमने लूप में लिख रखे हैं, मतलब बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उनका हम क्या करेंगे, टाइम निकालेंगे कि वो टोटल टाइम लूप में कितनी बार चले, तो वो टाइम हमारा डिले के इक्वल हो जाएगा, मतलब उससे डिले जनरेट हो जाएगा। समझ आ गया, मतलब एक इंस्ट्रक्शन का हमें टाइम निकालना आता है टी स्टेट से। ऐसे हमने क्या करा, एक लूप में बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस लिख दिए और उन इंस्ट्रक्शंस का अपन ने टोटल टाइम निकाल लिया जो कि किसके इक्वल होगा, डिले के इक्वल होगा। क्लियर हो गई बात, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में ये है कि हम डिले कितने तरीके से दे सकते हैं। हम डिले दे सकते हैं बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग और बाय यूजिंग इंटरफेसिंग चिप। इंटरफेसिंग चिप हम बाद में पढ़ेंगे, दैट इज हार्डवेयर मेथड। और सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग मतलब हम कोई इंस्ट्रक्शन लिखेंगे मेन प्रोग्राम में या सब रूटीन में, तो वो कहलाती है हमारी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के थ्रू डिले, ठीक है। तो चलते हैं सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में डिले क्या होता है। हम जानते हैं कि हर इंस्ट्रक्शन क्या करता है, एक स्पेसिफिक टाइम लेता है। हर इंस्ट्रक्शन एक स्पेसिफिक टाइम लेता है। अब वो टाइम किसके हिसाब से लेता है, अकॉर्डिंग टू एड्रेसिंग मोड्स और टाइमिंग डायग्राम, कि उसमें मशीन साइकिल कितनी लग रही हैं, हर इंस्ट्रक्शन में कितनी मशीन साइकिल लग रही हैं, उस हिसाब से वो क्या लेता है, टाइम लेता है, राइट है। अब कौन कौन सी मशीन साइकिल नॉर्मली वो यूज़ करता है, फैच मशीन साइकिल, मेमोरी रीड हो सकता है या मेमोरी राइट हो सकता है या दोनों हो सकती हैं, ठीक है। तो हर इंस्ट्रक्शन को इन साइकिल्स के थ्रू गुजरना पड़ता है और यही साइकिल्स हमारा क्या करती हैं, टाइम डिसाइड करती हैं कि वो इंस्ट्रक्शन कितनी देर में एग्जीक्यूट होगा, राइट है। क्योंकि हमें इन मशीन साइकिल्स का टाइम पता है तो हम टोटल टी स्टेट्स निकाल सकते हैं एक इंस्ट्रक्शन की। एक टी स्टेट बराबर होती है क्लॉक साइकिल, कितनी क्लॉक साइकिल वो एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है,
ये हमें कैसे पता लगेगा, सारी मशीन साइकिल्स का सम उस इंस्ट्रक्शंस में, ठीक है। अब जब हमें टी स्टेट्स पता लग गई तो टोटल टी स्टेट्स बट अपॉन क्लॉक फ्रीक्वेंसी, इसके हिसाब से हम उस इंस्ट्रक्शन का टाइम निकाल लेते हैं, मतलब एक इंस्ट्रक्शन में कितनी मशीन साइकिल लगी, उन मशीन साइकिल की टी स्टेट्स का टोटल कर लो और टोटल टी स्टेट्स बटा फ्रीक्वेंसी कर लो, तो आपको उस इंस्ट्रक्शन का टाइम पता लग जाएगा। अब हम क्या करते हैं डिले में, क्या करते हैं लूपिंग मेथड लेते हैं। लूपिंग मेथड में क्या करते हैं, अपन बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस रिपीट कराते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को हम क्या कराते हैं, रिपीट कराते हैं, ठीक है। अब लूप मेथड में हमने क्या करा है, हमने इंस्ट्रक्शंस को या तो मेन प्रोग्राम में लिख दिया है, मैंने जैसे बताया था, या सब रूटीन में लिख दिया है। मेन प्रोग्राम में लिखोगे तो आपको बार बार लिखना पड़ेगा जब भी डिले की जरूरत पड़ेगी, सब रूटीन में अगर आप लिखोगे तो आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, कॉल करना पड़ेगा केवल, ठीक है। अब लूप मेथड में करते क्या है, हम कुछ वैल्यू को लोड कर देते हैं किसी रजिस्टर में, हम कुछ वैल्यू को लोड कर देते हैं किसी रजिस्टर में और फिर उसको डिक्रीज करते जाते हैं, ठीक है। अब डिक्रीज करने के बाद हम चेक करते हैं वैल्यू जीरो हो गई नहीं हुई तो वो वापस उसको डिक्रीज करेंगे, और अगर जीरो हो जाती है तो उसको एग्जिट कर देंगे। मतलब हमने किसी रजिस्टर में वैल्यू क्या करी, लोड करी, अगर वो वैल्यू डिक्रीज करने के बाद जीरो हो जाती है तो एग्जिट हो जाएगा, नहीं होती है तो वापस डिक्रीज करो, मतलब ये प्रोसेस कुमुलेटिव हो गया, रिपीटेड हो गया जब तक वो जीरो नहीं हो जाए, ठीक है। चलते हैं आगे, तो टोटल डिले बराबर क्या है, एक तो टोटल टाइम आउटसाइड द लूप प्लस टोटल टाइम इनसाइड द लूप। टोटल टाइम आउटसाइड द लूप क्या होता है, वो टाइम जो लोडिंग में काम आया रजिस्टर्स को, जिससे कि लूप स्टार्ट होगा, वो टाइम जिससे कि लूप स्टार्ट होगा तो कितनी वैल्यू से स्टार्ट होगा, वो टाइम लोड करना, वो वैल्यू लोड करनी पड़ती है, तो उसमें जितना टाइम लगेगा वो कहलाती है टाइम आउटसाइड द लूप, ठीक है। तो जो इनिशियलाइज रजिस्टर करने में जो टाइम लगता है उसको हम क्या कहते हैं, टाइम आउटसाइड द लूप। फिर हम उसको क्या करते हैं, लूप में लगाते हैं, ये हमारा क्या है, लूप है, देखिए ये लूप है हमारा, इसमें जितना टाइम लग रहा है इसको हम कहते हैं टोटल टाइम इनसाइड द लूप। इसमें क्या करते हैं, हम जो वैल्यू लोड करी थी उसको डिक्रीमेंट कराते हैं, फिर कंडीशन चेक करते हैं, कंडीशन जीरो हो जाती है तो ठीक है आगे निकल जाए, कंडीशन जीरो नहीं हुई तो ये वापस रिपीट करे। तो इस टाइम को हम जो कह रहे हैं रिपीटेशन में जितना भी टाइम लग रहा है टोटल, इसको हम क्या कहते हैं, टोटल टाइम इनसाइड द लूप, ठीक है। तो हमने क्या देखा, वैल्यू हमने लोड करी किस में, रजिस्टर में, ये देखिए, फिर हमने उसको डिक्रीज करा किससे, By using DCR instruction, अगर 8 बिट का है तो वैल्यू, अगर 16 बिट का है तो इंस्ट्रक्शन कितना होगा, 16 बिट का, ठीक है। डिक्रीज करने के बाद हमने चेक करा जीरो तो नहीं हो गया, उसके हिसाब से हम टोटल टी स्टेट्स निकाल लेते हैं, टोटल टी स्टेट्स निकल गई तो हमारा क्या निकल जाएगा, डिले निकल जाएगा, क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट, तो हम डिले देते हैं बाय यूजिंग सिंगल रजिस्टर, पहला मेथड है हमारा बाय यूजिंग सिंगल रजिस्टर। हमने क्या करा, पहले वैल्यू को लोड करा एक 8 बिट की, 8 बिट की वैल्यू को किसी रजिस्टर में लोड कर दिया, रजिस्टर बी सी डी ई एच और एल, इनमें से किसी भी रजिस्टर में आप वैल्यू को क्या कर सकते हो, लोड कर सकते हो, आप किसी भी वैल्यू को लोड कर सकते हो, क्लियर है। फिर उसकी टी स्टेट्स को नोट डाउन कर लिया, राइट। अब जो नंबर था वो 8 बिट का था, तो मतलब मैक्सिमम वैल्यू आप डेसिमल के हिसाब से 2 की पावर 8 स्टोर करा सकते हो, मतलब 255 डेसिमल में, और हेक्साडेसिमल में जो मैक्सिमम वैल्यू आप लोड करा सकते हो वो कितनी है, डबल है। हेक्साडेसिमल में वैल्यू लोड कराना कितना है, डबल है 8 बिट के लिए, और हम जो वैल्यू लोड कराते हैं वो रजिस्टर में हेक्सा में ही कराते हैं, ये ध्यान रखना। अब डिक्रीज करेंगे हम वैल्यू को, डिक्रीज करेंगे हम वैल्यू को इसमें, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में हम वैल्यू को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे बाय यूजिंग व्हाट, डीसीआर इंस्ट्रक्शन, और फिर उसकी टी स्टेट्स नोट कर लेंगे। अब हम चेक करेंगे क्या रजिस्टर जीरो हो गया, जीरो का मतलब जीरो फ्लैग सेट हुआ या नहीं, अगर वो जीरो नहीं होता है तो वो जंप कर जाएगा वापस डिक्रीज पे, ठीक है, और अगर वो जीरो हो जाता है तो वो एग्जिट हो जाएगा। तो ऐसे करके हमने इसकी टी स्टेट्स नोट कर ली, राइट। अब कैलकुलेट करेंगे कितनी बार तो डीसीआर इंस्ट्रक्शन चला, मतलब कितनी बार डीसीआर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ, क्योंकि जीरो तो हुआ ही नहीं, वैल्यू जीरो नहीं हुई तो वो बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है, कितनी बार जेएनजेड एग्जीक्यूट हुआ,
इन दोनों को टोटल टी स्टेट्स को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये कहलाती है लूप की टी स्टेट्स। अब ध्यान रखना ट्रू कंडीशन हो रही है, जब कंडीशन क्या हो रही है ट्रू, मतलब कंडीशन ट्रू हो रही है, मतलब जे एन जेड की कंडीशन क्या हो रही है ट्रू हो रही है, तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब टोटल डिले बराबर क्या होता है, पहली स्टेट की टी स्टेट्स, पहली स्टेट में कितनी क्लॉक साइकिल ली, फिर एन, एन यहाँ पे क्या है डेसिमल वैल्यू है 8 बिट की, इनटू टी स्टेट्स ऑफ डीसीआर, डीसीआर मतलब डिक्रीमेंट की टी स्टेट्स कितनी लगी थी, फिर टी स्टेट्स ऑफ जे एन जेड, ट्रू कंडीशन में, ट्रू कंडीशन में टी स्टेट्स ऑफ जे एन जेड लगती है 10। अब होता क्या है, हमने एन बराबर 255 लिया, मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं लाइट, तो 255 में डीसीआर 255 बार चल रही है मतलब, और टी जे एन जेड हमारा 255 बार चल रही है, पर जे एन जेड हमारा केवल 254 बार चलता है, एक बार वो कंडीशन क्या हो जाती है फॉल्स हो जाती है, मतलब कोई वैल्यू अगर लोड है, कोई वैल्यू अगर रजिस्टर में लोड है तो उसका उस वैल्यू के इक्वल तो वो डीसीआर चलेगा, पर उस वैल्यू से एक घटा के जे एन जेड चलता है, ध्यान रखना। तो हमने यहाँ पे देखो एन 255 लिया, सपोज करो मैक्सिमम वैल्यू ले रहा हूँ, तो एन डी सी आर एन बार चला और जे एन जेड भी एन बार चला, पर हमने जे एन जेड को 10 मान लिया, हमने जे एन जेड को 10 मान लिया, पर इस दौरान वो कंडीशन एक बार फॉल्स हुई है, तो उस फॉल्स कंडीशन के लिए हम माइनस करेंगे एक बार, क्योंकि हम 255 ले चुके हैं पर ये 254 बार ही चला है जे एन जेड, तो फॉल्स कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे टी स्टेट्स ऑफ जे एन जेड जो कितनी होती है 7 अगर फॉल्स हुआ है, तो हमने क्या करा टोटल टी स्टेट निकाली, टी स्टेट्स ऑफ डी सी आर प्लस टी स्टेट्स ऑफ जे एन जेड, इस दौरान जब ये राइट है तब टी स्टेट 10 है और जब ये फॉल्स है तो टी स्टेट 7 है। क्लियर हो गई। नेक्स्ट जैसे एग्जांपल देते हैं, एम बी आई बी में 7D लिया, 7D का मतलब है इसका डेसिमल नंबर 125 है, क्लियर है। अब इसकी टी स्टेट्स नॉर्मली कितनी होती है अगर हम देखें टाइमिंग डायग्राम में, तो 7 होती है, 4 तो ऑपकोड की और 3 मेमोरी रीड की, 7 हो गई। डी सी आर भी ये केवल एक ऑपकोड है तो इसकी टी स्टेट कितनी होंगी 4। जे एन जेड लूप, इसकी टी स्टेट होती है हमारी 10/7, 10/7 मतलब जब ट्रू हो कंडीशन तो 10 और जब फॉल्स हो तो कंडीशन 7। अब हम देखते हैं डिले आउटसाइड लूप, डिले आउटसाइड लूप कितना लगा, डिले आउटसाइड लूप लगा टोटल टी स्टेट्स अप इनटू टाइम, टाइम क्या होता है 1/3 क्योंकि 3 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक है और माइक्रो सेकंड्स में आएगा क्योंकि ये मेगा है, तो मेगा का 1/1 करेंगे तो माइक्रो आएगा, क्लियर है। अब क्लॉक 3 मेगाहर्ट्ज की थी, डिले अगर हम लूप के अंदर देखें तो कितना हो गया एन, एन कितना है हमारा डेसिमल में 125 इनटू टोटल टी स्टेट देखो कितनी है, अगर लूप में देखें तो 10+4 14 मतलब 14 बार चल रही है, मतलब 14 टी स्टेट्स कितनी बार चल रही हैं 125 बार चल रही हैं, 14 टी स्टेट्स कितनी बार चल रही हैं 125 बार, पर मैंने क्या बताया कंडीशन एक बार फॉल्स हुई है तो माइनस की 7 करनी पड़ेंगी, माइनस की 7 करनी पड़ेंगी, तो टोटल टाइम आ जाएगा हमारा इनटू 1/3 से करने के बाद, तो हम इक्वेशन 1 का टाइम नोट कर लेंगे, इक्वेशन 2 का टाइम नोट कर लेंगे, तो टोटल डिले आ जाएगा। हमने 14 क्यों लिए हैं, 14 इसलिए लिए हैं क्योंकि 4 तो किसकी डीसीआर की और 10 किसकी जे एन जेड की जब कंडीशन ट्रू है, और फॉल्स होगी तो जे एन जेड कितनी लेगा केवल 7, क्लियर है। नेक्स्ट अब हम अगर वैल्यू को जैसे मान लो हमको वैल्यू नहीं दे, हमको डिले की वैल्यू दे दे, हमको लोडेड वैल्यू नहीं दे, तो कैसे निकालेंगे, डिले उसने दे दी 8 तो हमने वैल्यू लोड कर ली सपोज करो एक्स, एक्स का जो डेसिमल नंबर है वो है पी, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस हमने वही लिखे, टी स्टेट सेम रहेंगी, क्लियर है। अब हमारा जो पहली साइकिल का डिले है वो तो हो गया 7*1/3, क्लियर है, चलो क्योंकि 1/3 क्या है 3 मेगाहर्ट्ज़ की क्लॉक है, 7 टी स्टेट लगी है। अब इनसाइड द लूप देखते हैं हम, तो इनसाइड द लूप मैंने क्या बताया था टोटल इसका डेसिमल नंबर कितना हो गया पी और टोटल टी स्टेट कितनी लग रही है 4+10 जब कंडीशन ट्रू है तो 14 माइनस कंडीशन फॉल्स कितनी हो गई 7, तो ये हो गई पी स्टार 14 माइनस 7*1/3, ये हमारी लूप के अंदर का आ गया। अब दोनों को हमने सॉल्व ऐड कर लिया, दोनों को वो किसके इक्वल होना चाहिए 8 माइक्रोसेकंड के, ये आंसर भी माइक्रोसेकंड में आया तो हमारा जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होना चाहिए 8, तो हम क्या निकाल लेंगे पी और उसको फिर कन्वर्ट कर लेंगे हम किस में एक्स में बाय हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, मतलब पी को हेक्सा में कन्वर्ट करके हमको ये वैल्यू पता लग जाएगी कि 8 माइक्रोसेकंड के लिए हमें वो इसमें कितना स्टोर कराना पड़ेगा बी में, क्लियर है। अब हम डिले देते हैं बाय यूजिंग व्हाट रजिस्टर पेयर, रजिस्टर पेयर के थ्रू अगर हम डिले देते हैं तो सबसे पहले 16 बिट का नंबर लोड करो और उसकी टी स्टेट्स नोट डाउन कर लो,
नंबर 16 बिट का है तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 65535 मतलब 2 की पावर 16 डेसिमल में। क्लियर है? अब हम इसको डिक्रीज करेंगे और जब तक देखेंगे वैल्यू जीरो नहीं हो जाए। तो डिक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, डी सी एक्स इंस्ट्रक्शन लिखेंगे क्योंकि 16 बिट का नंबर है, उसकी टी स्टेट ले लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, ए के अंदर बी की वैल्यू को कॉपी करेंगे, बी के वैल्यू को हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और फिर और करेंगे किसका, ए और सी का। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जंप कराने के लिए जे एन जेड में जीरो फ्लैग सेट होना चाहिए और डी सी एक्स से जे डी सी एक्स से कभी भी जीरो फ्लैग सेट नहीं होता है। डी सी एक्स से जीरो फ्लैग सेट नहीं होता है क्योंकि होगा क्या, अगर तुम बी सी ले रहे हो, सपोज करो बी सी लिया आपने, बी सी आपने ले लिया 10 08, ठीक है 08। अब अगर तुम डी सी एक्स के बाद जे एन जेड लिख देते तो 8 जैसे 0 होता, ये फ्लैग सेट कर देता और बाहर आ जाता। पर हमें तो क्या चाहिए, जब 1008 जो आपने बोला है ये 0 बने तब बाहर आए, तो 8 के 0 होने पर नहीं चाहिए हमें, हमें ये चाहिए ये दोनों 0 हैं। तो दोनों 0 के लिए हमने क्या करा, ए की वैल्यू को, बी की वैल्यू को ए में कॉपी कराया और सी के साथ क्या कर दिया, और। अब होगा क्या, जब ये दोनों वैल्यू और होने पर 0 देंगी तभी हमारा वो बाहर आएगा, तभी 0 फ्लैग सेट होगा। क्लियर है? नाउ अब हम ये देखेंगे ये सारे इंस्ट्रक्शन कितनी बार एग्जीक्यूट हुए और टोटल टी स्टेट्स निकाल लेंगे ट्रू कंडीशन की। अब फॉर्मूला देखते हैं डिले का, पहली टी स्टेट्स में पहला स्टेप का कितना टी स्टेट लगा इनटू एन, एन क्या है जो डेसिमल वैल्यू है, टी स्टेट्स ऑफ डी सी एक्स, डी सी एक्स की कितनी टी स्टेट ली, मूव की कितनी ली और ओरा की कितनी ली और जे एन जेड की कितनी ली, ये तो एन से मल्टीप्लाई हो गया। फिर मैंने बताया था एक बार कंडीशन फॉल्स होगी तो -1 टी स्टेट्स ऑफ जे एन जेड फॉल्स कंडीशन में। क्लियर है? इनटू क्लॉक साइकिल से मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल टी स्टेट्स को, हमें पता लग जाएगा डिले यूजिंग रजिस्टर पेयर। एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमने FFFF लोड कर रखा तो उसका नंबर कितना होगा डेसिमल इक्विवेलेंट 65535। अब हमने ये प्रोग्राम लिख दिया, सेम प्रोग्राम लिख दिया, टी स्टेट्स हमें पता है पहले वाले की 10, दूसरे वाले की 6, तीसरे वाले की 4 और ये फिक्स होती हैं, चौथे वाले की 4 और ये पांचवे वाले की 10/7। अब हमने पहले वाले की तो निकाल ली 10 × 1/3, ये तो टाइम पता लग गया पहले वाले का तो हमें। अब दूसरे वाले का हम देखेंगे टोटल ये कितनी बार चल रहा है, ये जो है ये कितनी बार हुए हैं, तो 65535 इंटू कितने हो गए, ये 6 और 4 10 और 4 14 और 10 24 24 हो गया। पर जो लास्ट वाला है वो केवल क्या चलता है, एक माइनस करके चलता है, मतलब उसमें से हमने क्या करा, ये अगर 65535 बार चल रहे हैं ये सारे तो लास्ट वाला 65534 बार ही चलेगा, तो हमने माइनस का 7 कर दिया। क्लियर है? इंटू 1/3, इंटू क्या है 1/3। क्लियर हो गई बात? टोटल डिले कितना हो गया हमारा, टोटल डिले हो गया माइनस का 7 प्लस का क्या है, माइनस का 10 प्लस का 7, ये हमारा आएगा 65536 में से माइनस का 10 करेंगे और प्लस का क्या करेंगे 7, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हुई है। क्लियर है? माइनस का 10 क्यों करा, क्योंकि हमने क्या करा था, टोटल बार क्या मान लिया था हमने, एग्जीक्यूट मान लिया था। क्लियर है? तो माइनस का 10 प्लस का 7, तो टोटल डिले हो गया इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। मैं दोबारा कह रहा हूँ, जो ये सारी चीजें हैं ये कितनी बार चली हैं, 65535 बार चली हैं, पर जब कंडीशन ट्रू हो, तो 65535 24 टी स्टेट्स हो रही हैं पर 24 में से ये लास्ट वाला केवल 65534 चलता है, तो हमने क्या करा, माइनस का तो पहले 10 कर दिया, एक घटा दिया और 7 जब कंडीशन फॉल्स होती है वो हमने प्लस कर दिया, तो ये हो गया माइनस का 3। क्लियर हो गया? माइनस का 3। सिमिलरली अगर हम पीछे वाले में भी देखें तो यहां भी यही होगा, माइनस का 7 और प्लस का कितना होगा 10, प्लस का कितना होगा ये 10 हो जाएगा, तो ये हमारा क्यों, क्योंकि पी टाइम तो ये क्या हुआ है, ट्रू हुआ है और एक टाइम ये फॉल्स हुआ है। क्लियर है? आते हैं कंडीशन पे, यहां पे देखिए प्लस का क्या है 10 है, प्लस का हमारा क्या है 10 होगा पहले और फिर क्या होगा ये माइनस का 7। क्लियर है? तो हम देखते हैं ये क्या हो गया एलएक्सआई, वो अगर हमने एक हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या कर दी, स्टोर कर ली किसमें, इसमें,
सुनते हैं बच्चों, तो हमने क्या करा, हमें सिंगल रजिस्टर की मदद से हमें क्या देना है, डिले देना है। तो सबसे पहले वैल्यू को हम क्या कर देंगे, लोड कर देंगे, एक 8 बिट की वैल्यू को किसी रजिस्टर में लोड कर देंगे। वो वैल्यू क्या है, बी सी डी ई और एच और एल, इन किसी भी रजिस्टर में वो वैल्यू लोड कर सकते हैं 8 बिट की। और डेसिमल नंबर जो वैल्यू होती है वो 8 बिट की मैक्सिमम 255 होती है, मतलब 0 से 255 तक की वैल्यू आप लोड कर सकते हो, पर ये हेक्साडेसिमल नंबर में लोड होगी। ठीक है, अब हम वैल्यू को क्या करेंगे, ये देखो ये वाली स्टेप आ गई, इनिशियलाइज स्टेप होती है। अब हम अगली स्टेप में क्या करेंगे, उस वैल्यू को डिक्रीज करेंगे और चेक करेंगे किसकी मदद से डिक्रीज करेंगे, डीसीआर की मदद से, और उसे टी स्टेट नोट कर लेंगे। फिर हम चेक करेंगे कि वैल्यू रजिस्टर की जीरो तो नहीं हो गई, ये वाली कंडीशन, और अगर नहीं हुई है तो जंप कर जाओ कहाँ, वापस डिक्रीमेंट पे, नहीं तो बाहर आ जाओ। फिर हमें टी स्टेट्स को नोट डाउन कर लेंगे। फिर हम ये चेक करेंगे कि कितनी टाइम तो डीसीआर चला और कितनी टाइम जेएनजेड चला, जब ट्रू कंडीशन हुई, क्लियर है, और फिर हम टी स्टेट्स को कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम देखेंगे, क्या देखेंगे हम, कि जो डिले का फॉर्मूला होता है वो होगा पहली वाली का टी स्टेट्स का टाइम, पहली वाली जो स्टेट है जो इनिशियलाइज करने की है, फिर एन, एन वो वैल्यू है जो हमने डेसिमल में लोड करी है, डेसिमल वैल्यू है, ठीक है। फिर डीसीआर कितनी बार चला है, एन बार चला है, तो डीसीआर की टी स्टेट, और जे एन जेड की टी स्टेट ट्रू कंडीशन में, ट्रू कंडीशन में एन बार। पर एक्चुअली होता क्या है, जे एन जेड केवल एन माइनस वन बार ट्रू कंडीशन देता है, लास्ट टाइम वो क्या करता है, फॉल्स कंडीशन देता है। तो हम क्या करेंगे, ट्रू कंडीशन को एक बार माइनस करेंगे और लास्ट टाइम की जो टी स्टेट्स हैं वो कितनी हैं, 7, वो प्लस करेंगे। मतलब यहाँ पे हमने क्या करा था, टी स्टेट्स ऑफ जे एन जेड जो ली थी ट्रू कंडीशन में वो एन टाइम ली थी, पर ये एक्चुअली चलता है एन माइनस वन टाइम है। तो हम क्या करेंगे, माइनस टी स्टेट्स ऑफ जे एन जेड करेंगे, मतलब एक बार माइनस करेंगे, और प्लस 7 जब फॉल्स कंडीशन हुई है उसको ऐड कर देंगे, क्लियर है। फिर दोनों का टाइम, जो पहली टी स्टेट का टाइम है वो पहली जो स्टेट है, पहला जो साइकिल है उसका, और दूसरी वाली का हम ऐड करके टोटल डिले निकाल लेंगे। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, हमने एक नंबर लिया 8 बिट का नंबर लिया जो 7D है, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट 125 है, जिसको हमने बी में स्टोर कर लिया, क्लियर है। तो पहली स्टेज क्लियर हो गई, इसकी टी स्टेट्स कितनी लग रही हैं, 7, ये फिक्स हैं, ठीक है। फिर हमने लगाया डी सी आर बी जो डिक्रीज करेगा बी को, इसकी टी स्टेट 4 है, डिक्रीमेंट कर दिया हमने। फिर हमने क्या करा, जे एन जेड चेक करा कि क्या जीरो हो गया, नहीं हुआ तो लूप में कूद जाओ, लूप पे कूद जाओ, मतलब वापस यहीं पे आ जाओ, क्लियर है। तो इसकी टी स्टेट है 10/7, पर ये 10/7 का मतलब है जब ट्रू होगा तो 10 और फॉल्स होगी तो 7। अब हम फॉर्मूला देखते हैं, पहली वाली का टोटल टी स्टेट कितना लगा, 7, क्लॉक साइकिल थी 3 मेगा, तो 1/3 से गुणा करके माइक्रो सेकेंड, क्योंकि मेगा था तो हमने टाइम निकाल लिया पहली आउटसाइड द लूप का। इनसाइड द लूप में हमने क्या कहा, ये जो तीनों हैं, वो दोनों हैं डीसीआरबी और जे एन जेड लूप, ये 125 बार चलेंगे, राइट है, इंटू 14 कर दिया, 14 क्यों, 10 4 प्लस 10, बट जो लास्ट वाला ट्रू केवल हमारा 124 बार होता है, लास्ट वाला जो होता है ट्रू वो 124 बार होगा, आपने लोड करा था 125, पर ये एन माइनस वन टाइम केवल ट्रू होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने पहले इसको 125 बार मान लिया कि ये ट्रू हुआ, पर नहीं, एक्चुअली ये 124 बार ही ट्रू हुआ, तो हमें माइनस 10 करनी पड़ेगी, मतलब एक हमने ज़्यादा ले रखा था तो माइनस 10 करी, और फॉल्स में ये प्लस 7 लेता है। तो या तो इसको यूं लिख दो, 125 इंटू कितना, 125 इंटू 4 प्लस 124 इंटू 10 प्लस 7, या तो ऐसे लिखो, या 125 इंटू 14 माइनस 10 प्लस 7, बात बराबर है। अब दोनों का टाइम ऐड कर लो, दोनों का टाइम ऐड करके हमें टोटल डिले पता लग जाएगा, ठीक है। अगर हमें वो वैल्यू नहीं दे कि हमें वैल्यू क्या लोड करनी है और हमें डिले दे दे, तो कैसे निकालेंगे हम देखते हैं। हम मानते हैं कोई एक्स वैल्यू हमने लोड कर दी जिसकी डेसिमल वैल्यू पी है, ठीक है। प्रोग्राम आपका बिल्कुल वही है कि आपने MVI B, B में X लोड कर दिया, DCR B, फिर डिक्रीज करा और चेक करा कि जीरो हो गया, नहीं हुआ तो वापस क्या कर दिया आपने, लूप पे कूदा दिया। तो टोटल अब देखते हैं टाइम, तो पहली वाली ने 7 टी स्टेट ली है, तो इसका टाइम हो गया 7 × 1/3, अच्छी बात है। जो दूसरी वाली और तीसरी वाली है, ये कितने टाइम चलेगी, पी टाइम, क्योंकि डेसिमल वैल्यू लेते हैं, पी टाइम चलेगी, राइट, पी टाइम इंटू टोटल टी स्टेट कितनी हो गई अभी इस दौरान, 24, 10 प्लस 14 हो गई, बट
जो लास्ट वाली कंडीशन है वो P माइनस वन टाइम ही कंडीशन ट्रू हो रही है, एक बार वो फॉल्स हो रही है, तो हम क्या करेंगे, जो हम तो P बार ले चुके हैं पर लास्ट वाली तो P माइनस वन बार ही हुई है, तो माइनस का 10 करेंगे और जो फॉल्स कंडीशन थी उसमें प्लस 7 करेंगे। ये डिले पता लग गया। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद में हम क्या करेंगे, इक्वल टू कितना ले कर देंगे 8, और जो वैल्यू आएगी P की उसको कन्वर्ट कर लेंगे हम किस में, एक्स में। ठीक है, अब रजिस्टर पेयर में आते हैं। रजिस्टर पेयर में भी हमने क्या कहा, अब की बार हम 16 बिट का नंबर स्टोर करेंगे, 16 बिट के नंबर को स्टोर करके जो टोटल कॉम्बिनेशन मिलते हैं वो 65535, मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 65535। फिर हम उस वैल्यू को डिक्रीज करेंगे बाय यूजिंग व्हाट, डीसीएक्स, बाय यूजिंग व्हाट, डीसीएक्स इंस्ट्रक्शन। फिर हम क्या करेंगे, और डीसीएक्स से जो वैल्यू होती है वो, जैसे मान लो बी और सी लिया और आपने डीसीएक्स को डिक्रीज करते गए, तो सी तो जीरो हो गया पर मान लो बी जीरो नहीं हुआ, वो मान लो आपने वैल्यू ली थी 1008 वैल्यू ली थी, तो आप तो यही चाहोगे ना 1008 बार ये डिक्रीज होए, पर होगा क्या, जैसे सी जीरो हो जाएगा और आपने जे एन जेड लिख दिया तो वो बाहर आ जाए। हम ये चाहते हैं कि जब दोनों जीरो हो तो ही बाहर आए, तो ऐसा करने के लिए हमने क्या करा, हमने ए की वैल्यू बी की वैल्यू को ए में रख दिया, बी की वैल्यू को ए में रख के सी के साथ और करा दिया। अब ये और हमें जीरो जीरो तभी देगा जब बी और सी दोनों जीरो हो जाएंगे, और के कारण, ओरिंग के कारण ही बी सी क्या होगा, डबल जीरो होगा, नहीं तो नहीं होगा। और ये तब होगा जब हमारा सी और बी दोनों जीरो हो जाए तभी और जीरो होता है, मतलब सी और बी जीरो हो जाए तभी हमारा और जीरो होगा और तभी हमारा जो है जंप इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। अगर आपने डी सी एक्स के बाद ही जंप करा दिया तो दिक्कत ये हो जाएगी, सी के जीरो होते ही वो बाहर आ जाएगा, जबकि हम क्या चाहते हैं कि बी और सी दोनों जीरो होए तो ही बाहर आए। तो बी और सी दोनों जीरो कैसे चेक करेंगे हम, क्योंकि सी तो एक बार जीरो हो रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, बी की वैल्यू को ए में रख रहे हैं और सी के साथ उसको और करा रहे हैं, और करने के बाद फिर हम चेक कर रहे हैं कि जीरो फ्लैग सेट हुआ है नहीं हुआ है, और करने के बाद, तो और करने के बाद जीरो फ्लैग तभी सेट होगा जब बी और सी दोनों जीरो हो जाए। क्लियर है। अब हम डिले देखते हैं, डिले क्या है, पहली का टी स्टेट, फिर एन डेसिमल वैल्यू किसकी, डी सी एक्स की, फिर मूव ए कोमा बी की और ओरा सी की, प्लस जे एन जेड की जो कि 10 होती है, माइनस टी स्टेट ऑफ जे एन जेड। मैंने अभी बताया था जो एन है तो एन टाइम नहीं चलता जे एन जेड, एन माइनस वन टाइम चलता है जे एन जेड, और लास्ट टाइम तो हमने तो यहाँ तो एन टाइम कर लिया जे एन जेड, तो हमें माइनस का 10 करना पड़ेगा, और लास्ट टाइम जो कंडीशन होती है फॉल्स होती है तो उसमें प्लस का 7 करना पड़ता है। क्लियर है। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं, हम यहाँ देखते हैं कि क्या हुआ है, हमने FFF लोड कर दिया, मतलब 65535 लोड कर दिया, DCR B, Move A कॉमा B, ORA C, और यहाँ पे फिर जीरो फ्लैग सेट होगा तो JNZ लूप अगर जीरो हो जाता है। हम टोटल करेंगे तो पहली वाली का टाइम तो हमें लग गया 10 × 1/3 क्योंकि 10 30 स्टेट्स है। दूसरी वाली का टाइम हम कैसे निकालेंगे, 65535 टाइम है और टोटल करते हैं हम 6 4 4 10, टोटल हो गया 24। ठीक है, तो 65535 × 24 पर लास्ट वाली केवल कितनी बार चल रही है, 65534 बार चल रही है, तो माइनस का 10 कर दिया और जब लास्ट टाइम वो कंडीशन फॉल्स हुई थी तो वो प्लस का 7 मानती है, × 1/3 टोटल टाइम, हम टोटल लूप के अंदर का डिले इससे निकल गया, बाहर का इससे, दोनों को सम कर दो तो टोटल डिले आ जाए। क्लियर है। सेम अब हमें मान लो डिले दे दे और वैल्यू पता लगानी है, तो बस कुछ ही नहीं करना आपको, वैल्यू मान लो एक्स लोड करी, एक्स लोड करी, प्रोग्राम सेम है, अब हमने पहली वाली का डिले तो पता लगा लिया 10 × 1/3 पर अब की बार हमें वैल्यू तो पता नहीं है, तो इसकी डेसिमल वैल्यू कितनी है, पी, तो फॉर्मूले में अब हम एन की जगह जहां हमने 65535 लिया था वहां पी ले लिया, पी स्टार, मतलब ये जो वैल्यू है ये चारों ये पी टाइम चलेंगी पर जो लास्ट वाली है वो केवल पी माइनस वन बार चलती है, तो माइनस का 10 कर दिया प्लस 7, इसको और इसको ऐड करके किसके इक्वल रख दो, 80 के इक्वल रख दो। ठीक है, और पी को निकाल लो और पी को कन्वर्ट कर दो किस में, हेक्साडेसिमल नंबर में। ठीक है, अब एक कंडीशन होती है नेस्टेड लूप, मतलब हमें डिले बहुत ज्यादा देना है तो लूप के अंदर लूप, तो एम बी आई बी कितनी है 8, एम बी आई सी में क्या करा 7 को फिर डिक्रीज करते गए और कूदाते गए, तो एक लूप तो ये हो गया, तो हमने क्या कहा, पहली वाली आउटर लूप प्लस लूप वन का टोटल डिले × 1/3 टोटल है, तो हमने क्या करा, देखो ये पहली वाली टी स्टेट कितनी है 7। ठीक है, अब दूसरा वाला जो इंस्ट्रक्शन है, दूसरा वाला इंस्ट्रक्शन है वो दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, देखो दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ये देखो आप दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तो
तो दूसरा तीसरा चौथा देखो कितनी बार चल रहा है, दूसरा आठ बार चल रहा है, राइट है, क्योंकि दूसरा क्योंकि ऊपर आठ है तो जब भी कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वापिस आएगा, आठ बार चला। तीसरा चार है जो वो भी कितनी बार चला, आठ बार चला। चौथा वो भी आठ बार चला, तो हमने कहा आठ स्टार सात प्लस सात स्टार चौदह, सात स्टार चौदह क्यों, क्योंकि ये देखो दस चार चौदह, ठीक है राइट। और फिर हमने क्या करा, माइनस के दस प्लस सात, मतलब हमने इसका डिले निकाल दिया, प्लस फिर ये कितनी बार चला, आठ बार चला, स्टार चौदह माइनस दस प्लस सात, इस तरीके से हमने नेस्टेड लूप का डिले निकाल दिया। थैंक यू।